राजस्थान में धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विधानसभा की अगली बैठक में ये बिल सदन में पेश किया जाएगा। राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन। राइजिंग राजस्थान समिट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। तैयारियों का लेकर सीएम भजनलाल शर्मा खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। अलवर सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। खुद भी दौड़ लगाते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे भूपेंद्र यादव। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद को लेकर बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल का बयान। कहा, जहां जहां बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत होती हैं वो काम कांग्रेस जरूर करती है। अजमेर का मामला न्यायाधीन है लेकिन इतिहास को झुठलाया भी नहीं जा सकता। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देसी शराब की 120 पेटी जब्त की। वहीं विशेष अभियान के तहत सभी थानाधिकारियों को निर्देश भी दिए। नीमका थाना में झाड़ली की बेटी ने रचा इतिहास। किली मंजारो के पर्वत की चोटी पर लहराया तिरंगा। युवा नेता नरपत सिंह ने बताया कि फतह करने के बाद उनके माता पिता ने उनको फोन पर बधाई दी। सीकर की जाजोर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने बीते दिनों युवक पर फायरिंग करने के मामले पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ की कार्रवाई। 11 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। जोधपुर का तनिष्क गॉड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। 40 दिन में तनिष्क गॉड 4000 किलोमीटर की रनिंग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है।